बिहार राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान का प्रभाव अब धरातल पर दिखने लगा है। यहाँ गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान के बाद वर्षों से अतिक्रमण और जलकुंभी के चपेट में आई छाड़ी नदी की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। छाड़ी नदी पर अतिक्रमण के कारण बारिश का पानी गंडक नदी में नहीं जा पा रहा था। छाड़ी नदी के सूखने के बाद इसमें जलकुंभी और अन्य झाड़ियां पनप गई थी, जिसकी वजह से नदी लगभग मृत हो गई थी। अब इसे दोबारा जिंदा करने का प्रयास युद्ध स्तर पर तेज कर दिया गया है। आज से गोपालगंज के बरौली के माधोपुर में नदी की सफाई का महाअभियान शुरू हुआ है। यह नदी जिले के 3 प्रखंडों से होकर गुजरती है, जिसमें बरौली, माझागढ़ और गोपालगंज सदर प्रखंड शामिल है। इसलिए इस नदी की सफाई का कार्य एक साथ तीनों प्रखंडों में शुरू किया गया है। सबसे पहले सिवान की सीमा से सटे बरौली के माधोपुर से इस नदी की सफाई का कार्य शुरू हुआ है। इसके बाद बरौली के कल्याणपुर और बेलसंड पंचायत में भी नदी की सफाई का कार्य शुरू किया जाएगा। छाड़ी नदी का साफ सफाई का काम आज से शुभारंभ हुआ है। तो ये 3 प्रखंड का है, यहाँ बरौली से होते हुए गोपालगंज और माझा, इन 3 ब्लॉक का कवर हो रहा है। तो इसका शुभारंभ आज से होगा। आज यहाँ माधोपुर, इसके आगे हम कल्याणपुर और बेलसंड पंचायत में भी शुभारंभ होगा। इस नदी की सफाई का कार्य मनरेगा योजना के द्वारा कराया जाएगा। यहाँ प्रत्येक मजदूरों को 100-100 दिन का रोजगार दिया जा रहा है। इसकी सफाई से नदी के पानी का बहाव गोपालगंज होते हुए गंडक नदी में चला जाएगा। इसके साथ ही लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। गोपालगंज में गंडक नदी से कई सहायक नदियां निकलती हैं, लेकिन समय के साथ कई नदियां या तो सूख गईं या उन नदियों का अतिक्रमण कर लिया गया, जिसकी वजह से गंडक नदी का पानी इन नदियों में नहीं जा पा रहा था। इससे अक्सर जिले के दियारा इलाके में बाढ़ की समस्या और दूसरे इलाके में सुखाड़ की समस्या बनी रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिसंबर माह में जिले के बरौली प्रखंड के देवापुर गांव में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत लगे जल स्रोतों को बचाने और नदियां, तालाबों और कुओं को संरक्षित करने का आह्वान किया है। गोपालगंज से मधेश तिवारी की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।